हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे डाइट पोहा। तो जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट नाश्ता होता है उनके लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट यू कैन हैव इफ़ यू वांट टू स्टे फिट। तो ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। पहले तो मैं ये रेसिपी बनाऊँगी आज ऑलिव ऑयल में। मुझे थोड़ी सी मूंगफली चाहिए, थोड़ा सा धनिया, और ये मैंने 3-4 बीन्स काट लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्च हैं, एक गाजर चॉप कर ली है, और आलू और प्याज है, टमाटर है। तो गाइस, जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको इसमें आलू और पीनट्स नहीं डालने हैं, बाकी आप सब डाल सकते हैं। बाकी चॉइसेस योर्स, अगर आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलिव ऑयल इसमें गरम कर लिया है। अब मैं इसमें सरसों डाल दूँगी, और सरसों के बाद साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है। तो ये दोनों जब गरम हो जाएंगे, स्प्रिंकल करने लगेंगे, तो तब हम इसमें अब थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम अनियन डाल देंगे। अब ये कड़ी पत्ता थोड़ा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें अनियन डाल देती हूँ। अनियन डाल दिया है, थोड़ा सा सौते कर लेंगे अनियन को। और अब हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, चॉप की हुई हरी मिर्च। कम से कम 4-5 हरी मिर्च थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही मैं एक पैन में मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, जो कि हम पोहा में मिक्स करेंगे बाद में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने बहुत बारीक काटे हैं ताकि वो जल्दी गल जाए। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और हल्दी इसमें आधा चम्मच के करीब आप हल्दी डालेंगे। अब मेरी जो बची हुई सब्जियां हैं सारी की सारी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जैसे कि गाजर, बीन्स, और मैंने टमाटर चॉप करके रखा था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये सारी सब्जियां ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से सौते कीजिए, तेज सेक पे चलते रहने दीजिएगा। सारी सब्जियां अब इसमें ऐड हो गई हैं, अब इसको अच्छे से सौते करिए, और इसको आप सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिए, ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी। क्योंकि ये डाइट पोहा है, तो मैंने बहुत ही कम ऑयल और बहुत ही कम मसालों में इसको बना रही हूँ, जो कि सिर्फ नमक और हल्दी है। इसको हमने ढक के रख दिया है। अब मेरे 5-7 मिनट पूरे हो गए थे, अब मैंने इसको पोहा इसके अंदर डाल दिया है। तो पोहा को आपने क्या करना है, एक बड़ा स्ट्रेनर आता है, स्ट्रेनर के अंदर डाल के सिर्फ आपने उसको धोना है, भिगो के नहीं रखना, धो के आपने उसके अंदर डाल देना है बस पोहा को, तो वो खिला खिला बनता है। तो पोहा देखिए एकदम शानदार बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।